नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरु जी में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में हुए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम महिला टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आता है तो वो इन 15 क्वेश्चन में से ही आ जाएगा। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80590 81508 पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, जो 2020 का आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कब? 21 फरवरी को, और ये चला 8 मार्च तक, 21 फरवरी से 8 मार्च तक। और जो इसका फाइनल मैच है ना, ये किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। भारत हार चुका है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का विजेता बन गया। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वैसे मैंने ये सभी बातें लिख भी रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखो, 5वीं बार जीत गया ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कौन सी बार विजेता बना, तो कौन सी बार? 5वीं बार। और ये जो 2020 का है टी20 वर्ल्ड कप, ये कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का। देखो, इसकी शुरुआत हुई 2009 में, पहला 2009 में, फिर 2010 में, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और अब 20। तो ये कौन से नंबर का हुआ? 7वें नंबर का। तो इस 7वें नंबर का, देखो, 7 में से 5 तो जीत लिए ऑस्ट्रेलिया ने, एक जीता इंग्लैंड ने, कौन सा? पहले वाला, जब 2009 में शुरू हुए थे। और इसके अलावा 2016 वाला जीता वेस्ट इंडीज़ ने, और बाकी सारे के सारे किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। अब 2020 का तो जीता ऑस्ट्रेलिया ने, अब एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इससे पीछे वाला किसने जीता। तो इससे पीछे वाला भी जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और वो आयोजित किया गया था वेस्ट इंडीज़ में। और जो 2022 का है ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा साउथ अफ्रीका में। तो फ्रेंड, इतना आ गया आपको समझ में? जो टी20 वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत हुई 2009 में, और जो 2020 में है ये है 7वें नंबर का, ठीक है। और बाकी मैंने ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं। अब बात कर लेते हैं 2020 के आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप की। इसमें ना जो फाइनल मैच है, इसमें प्ले ऑफ द मैच किसे मिला? एलिसा हिली को, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। और इस 2020 के पूरे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? ये मिला फ्रेंड बेथ मुनी को, ये भी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है फ्रेंड। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, ये बनाए एलिसा हिली ने, ये है ऑस्ट्रेलिया की, इसने बनाए कुल 236 रन। लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए है सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली? ये ली मैगन सकट ने, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। और सबसे ज़्यादा रन एक पारी में किसने बनाए? हीथ नाइट ने 108 रन, और ये है इंग्लैंड की। और सबसे ज़्यादा चौके मारे एलिसा हिली ने, ये है ऑस्ट्रेलिया की। और सबसे ज़्यादा छक्के, 9 छक्के मारे हैं किसने? शेफाली वर्मा और एलिसा हिली ने। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की है, शेफाली वर्मा इंडिया की है। और अब तक सबसे ज़्यादा 5 बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। और जो 2020 का वर्ल्ड कप हुआ है महिला वाला, इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया और 23 मैच खेले गए। और जो 2020 का टी20 महिला वर्ल्ड कप है, इसका पहला मैच किसके बीच खेला गया था? तो फ्रेंड, ये खेला गया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसमें कौन जीता? साउथ अफ्रीका। इतना हो गया क्लियर आपको? और ये मैंने बता ही दिया कि महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी, ये जीता था इंग्लैंड ने, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को। और ये भी मैंने बता दिया आपको। अब देखो, आईसीसी आया ना, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जो कि पड़ता है यूएई में। इसके सीईओ हैं मनु सहानी, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। देखो, ये तो बात होगी आईसीसी की, जो पूरे वर्ल्ड की टीमों को हैंडल करता है। अगर बात करें भारत की टीम को कौन हैंडल करता है, ये करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 को,
और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके इस समय यानी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसकी PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप HSSC के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने एक बुक भी तैयार कर रखी है हरियाणा GK की, जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8050981508 पर मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।